इस वीडियो में हम ऑयल सर्किट ब्रेकर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप दोनों वीडियोस देख लीजिए जो कि सर्किट ब्रेकर्स और आर्क फिनोमेना का वीडियो है। दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑयल सर्किट ब्रेकर्स जो हैं उनके नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर आर्क को ख़त्म करने के लिए ऑयल का यूज़ में लिया जाता है। जनरली जो ऑयल हम यूज़ में लेते हैं वो ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल एज एन इंसुलेटिंग मीडियम भी काम करता है और आर्क क्वेंचिंग मीडियम भी काम करता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर्स का एक बेसिक डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं पूरा फिनोमिना यहाँ पर बताता हूँ। ये जैसे ही मान लीजिए सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट आ गया और सर्किट ब्रेकर अपना काम स्टार्ट कर चुका, तो उसके बाद ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। आप मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे ही ध्यान दीजिएगा, सराउंडिंग में ऑयल भरा पड़ा है। इस बबल को अभी आप भूल जाइए। तो यहाँ पर ये कोई बबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये दोनों कॉन्टैक्ट है जो आपस में कनेक्टेड है। अब जैसे ही फॉल्ट आया तो ये दोनों कॉन्टैक्ट्स दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये दोनों कॉन्टैक्ट दूर होंगे तो यहाँ पर एक आर्क बनेगी इन दोनों के बीच में। ये आर्क हाई हीट जनरेट करेगी, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगी, जिसकी वजह से ये ऑयल डिकम्पोज होगा। ऑयल डिकम्पोज होगा और यहाँ पर गैसेस बनाएगा। जो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ गैस बनेगी वो हाइड्रोजन गैस बनेगी। 70-80% यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब जो और भी गैसेस बनती हैं यहाँ पर, मीथेन, इथाइलिन, एसिटिलीन, इस टाइप की और भी गैसेस यहाँ पर बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट हाइड्रोजन गैस का होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे आर्क जनरेट हुई ऑयल इधर उधर होने लग गया। अब ऑयल जब इधर उधर होने लगा तो यहाँ पर गैसेज सराउंड कर लेती हैं। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये सबसे ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोजन गैस इस आर्क को सराउंड कर लेती है, यहाँ पर एक बबल बना लेती है। अब ये आर्क ख़त्म कैसे होती है, इसके दो रीज़न होते हैं। पहला जो रीज़न है, हाइड्रोजन गैस की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है तो वो इस आर्क को जल्दी कूल करती है। आर्क कूल होती है तो आर्क ख़त्म हो जाती है। दूसरा जो रीज़न है वो है कि जो ऑयल के अंदर जो टर्बुलेंस आई, जो ऑयल इधर उधर जाने लगा, उसकी वजह से जो आर्किंग प्रोडक्ट्स थे, जो आर्क के प्रोडक्ट्स थे जिनकी वजह से आर्क वहाँ पर रुक रही थी, उनको वो इधर उधर कर देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पाथ है, अगर यहाँ से ऑयल इधर उधर जाएगा तो वो आर्क ख़त्म होगी। जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो आर्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं उस हाई टर्बुलेंस की वजह से। तो ये दो बड़े रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आर्क ख़त्म होती है। यहाँ पर मैंने जो भी मैंने आपको समझाया वो थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो आर्क एक्सटेंशन का जो मैंने आपको भी बताया कि हाइड्रोजन गैस हैज हाई हीट कंडक्टिविटी एंड इट कूल्स द आर्क, इट एड्स इन डी आयोनाइजेशन ऑफ मीडियम बिटवीन कॉन्टैक्ट्स। जो आयोनाइजेशन हुआ था, जिनकी वजह से आयन्स बने थे और आर्क जनरेट हुई थी, उनको डी आयोनाइज करने के लिए काम आती है हाइड्रोजन गैस। द गैस सेट्स अप टर्बुलेंस इन द ऑयल एंड फोर्सेस इट इनटू द स्पेस बिटवीन कॉन्टैक्ट्स। वो कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर ऑयल को लाने के भी काम करती है, जो हाई टर्बुलेंस जनरेट हुई उसकी वजह से। तो आर्किंग प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है आर्क के पाथ से। यहाँ तक ऑयल सर्किट ब्रेकर्स का बेसिक फिनोमिना मैंने आपको बता दिया। ऑयल सर्किट ब्रेकर जो हैं वो जनरली 66 केवी तक यूज़ किए जाते हैं। उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज से आपको डील करना है तो वहाँ पर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर या फिर SF6 सर्किट ब्रेकर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर जो हैं वो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसके भी टाइप्स होते हैं और फिर उनके भी टाइप्स होते हैं। तो वो सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लो ऑयल सर्किट ब्रेकर और बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर को हम डिटेल में देखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसका क्या हुआ कि जो आर्क जनरेट हुई उस आर्क की एनर्जी को ही ऑयल ने अब्सॉर्ब किया, उससे गैसेस बनाई और वो जो गैसेस बनी उन गैसेस ने ही उस आर्क को इंटरप्ट कर दिया। मतलब आपको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आर्क की एनर्जी को उसने लिया, उससे गैसेस बनाई और उस गैस ने ही उसको ख़त्म भी कर दिया। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। दूसरा जो एडवांटेज है वो है कि यहाँ पर इंसुलेशन के भी काम में आ जाता है जो आपका ऑयल है, तो वो आपको लाइव कंडक्टर्स और अर्थिड कंपोनेंट्स के बीच में क्लियरेंस मिल जाती है, आपको वहाँ पर इंसुलेशन मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो
जो आर्क वहाँ पर जनरेट होती है उसकी वजह से इनफ्लेमेबल जो ऑयल है वो इनफ्लेमेबल होता है, तो वहाँ पर आग लग सकती है, फायर की रिस्क रहता है। तो एक तो बड़ा डिसएडवांटेज यही है। दूसरा, जब वहाँ पर आर्क बनती है तो बार बार सर्किट के इंटरप्ट होने से, एक बार आर्क बनी फिर दोबारा फॉल्ट आया फिर सर्किट इंटरप्ट हुआ, तो उसकी वजह से बहुत सारा आर्किंग प्रोडक्ट्स जनरेट होता है जिसके अंदर मेनली कार्बन होता है। तो कार्बन की वजह से जो ऑयल की क्वालिटी है वो ख़राब होती है, तो आपको ऑयल चेंज करना होता है। उसी तरीके से वहाँ पर एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनने का भी डर रहता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। बेसिक ऑयल सर्किट ब्रेकर का क्वेश्चन आपके अगर आ जाता है तो आप बेसिक ये सारा फिनोमेना आप वहाँ पर लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।